गिरिराज हिमालय, पृथ्वी का मानदंड, गगन का आलंबन, भव्यता का भंडार, हिमावृत पर्वतों से जन्म लेते जीवन के स्रोत, रहस्य के आवरणों का अंतहीन क्रम, एक त्रिशूलधारी मौन मनस्वी तपस्वी यहाँ लीन है एक अनंत साधना में, इसके डमरू से निकली जगत कल्याण की ध्वनियां दिग दिगंत को शिवमय बनाती हैं। इन हिमाद्रिक अंतराओं में स्थित कोई शिला गवाह है राजा भगीरथ और उनकी कठोर तपस्या की। 5,500 वर्षों तक एक पैर पर खड़े राजा भगीरथ पुरखों के तर्पण के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का अटल संकल्प। स्वर्ग से आती गंगा का प्रचंड वेग और पृथ्वी पर महाप्रलय निश्चित। इस वेग से, विनाश से रक्षा करो, रक्षा करो। सनातन योगी जटाजूटधारी महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। शिव की उलझी जटाओं से अनेक धाराओं में फूट पड़ी गंगा। इनमें से चार प्रमुख स्रोतों पर चार पवित्र धाम स्थित हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों का संबंध यमुना, गंगा, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों से है। प्रतिवर्ष लाखों यात्री यहां आते हैं और इन पुण्य स्थानों का दर्शन कर लौटते हैं। गढ़वाल के पर्वत शिखर धूप में पारे की तरह झिलमिलाते हुए, असंख्य पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई समतल भूमि, जहां तक नजर जाती है निस्पंद समाधि में मग्न तपस्विनी जैसी आडंबरहीन सूनी पृथ्वी ही दिखाई देती है। हिमालय के शिखर ऐसे लगते हैं मानो किसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में पहरा देते देते चांदनी समेत जमकर जड़ हो गए हों। दूर किसी शिवालय से आती घंटियों की आवाजें पर्वतों की वादियों में तैरती चली जाती हैं। दिन की ताजा धूप में पहाड़ों से उतरते हुए नंगी चट्टानों में रास्ता तलाशती हवा गुनगुनाती है। कोई पथिक भूली हुई यादों के तार सुलझाता है। अचानक एक आवाज की तरफ ध्यान जाता है, शीतल और शुद्ध। कोई नटखट पंछी घाटियों के ऊपर से गुजर जाता है, हवा में एक बासंती महक छूट जाती है। इन पर्वतों के बीच निरंतर कल कल निनादिनी ये नदियां मानो पर्वतराज हिमालय के हृदय का स्पंदन है। मानो
मनुष्य की कल्पनाओं की सीमाएं पार करती और रोमांचकारी अनुभवों का निमंत्रण देती हुई ये पहाड़ियाँ सदा से ही भारतीय संस्कृति, इतिहास, चिंतन और अर्थतंत्र पर अपना सिक्का जमाए हुए हैं। गंगा नदी भारतीय आस्थाओं का केंद्र है। ये युगों युगों से सभ्यता के उतार चढ़ावों की मूक साक्षी है। इसके हृदय में उत्तर भारत के अनेक अविस्मरणीय पड़ावों के चिन्ह सुरक्षित हैं। विशाल जन समुदाय की स्मृतियाँ, उसके भय, आशाएं, जय और पराजय की गाथाएं समेटे गंगा हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की वाहिनी है। नदी का उद्गम देखें तो विश्वास नहीं होता कि ये वही नदी होगी जिसके किनारे बड़े बड़े महानगर विकास की मंजिलें तय कर रहे हैं। विस्तीर्ण किनारों के बीच सतत प्रवाह में गंगा का जल जन जीवन को अमरता प्रदान कर रहा है। ये गंगा के पछार हैं जिन पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए आश्रित है। गंगा इस विशाल भूभाग पर जीवनदायिनी शक्ति है। ये यूं ही नहीं है कि भारतीय आस्था जगत में गंगा का स्थान माँ के समान है। मनुष्य की सहज जिज्ञासाएं, हम कौन हैं, हम आए कहां से हैं, इस नश्वर जगत में हमें क्या करना है, एक के बाद एक उठते प्रश्नों के उत्तर की खोज और इस जीवन के उद्गम की तलाश मनुष्य को हिम कंदराओं में स्थित इन पवित्र स्थानों की दिशाओं में मोड़ देती है। चार धाम, गंगा और यमुना के मूल स्रोत, कहीं इन्हीं जादुई रहस्यमयी घाटियों में तो नहीं छिपे हैं इन उलझे उलझे प्रश्नों के जवाब। पुरातन ऋषियों ने आश्रमों में रहकर ही परमार्थ चिंतन किया है। कहते हैं आदि शंकराचार्य 11 वर्ष की आयु में ही यहाँ आ गए थे। उन्होंने 5 वर्षों तक बद्रीवन में रहकर वेदों पर 16 भाष्य लिखे। इस पवित्र भूमि पर स्थित धामों में मंदिरों की स्थापना की। यहाँ कहीं भी हो सकते हैं आदि शंकराचार्य के पैरों के निशान।